और इधर मैनपुरी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से यहां जीत रही हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मैनपुरी की जनता वोट के जरिए बीजेपी को जवाब देगी। आपको सुनाते हैं वोटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ये चुनाव तो अब बिल्कुल अब आखिरी दौर पे आया है और मुख्यमंत्री आए, करहल में आए, आपके विधानसभा में आए, और उन्होंने जो बातें कही हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये शिष्टाचार है कि जब लीडर ऑफ द हाउस कोई बात कहे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाउस में रहे, और ये भी परंपरा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब बोलेगा तो लीडर ऑफ हाउस को सुनना पड़ेगा। तो क्योंकि मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और मैं नेता प्रतिपक्ष हूं सदन में, तो कुछ बातें वो रखे गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल गए हैं करहल में क्या काम किया है उन्होंने, ये बताना चाहिए था उन्हें, और कम से कम उन्हें तकलीफ और परेशानी किसान की समझनी चाहिए थी। डीएपी के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, कई दिनों किसानों को जाना पड़ रहा है, डीएपी उपलब्ध नहीं है, और अगर डीएपी मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है, और किसान इस बात को नहीं पूछ रहा है कि 5 किलो पहले से चोरी हो चुकी है, डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, जो गरीब बिजली के बिल नहीं दे पा रहा है गांव में तो उसके पूरे गांव के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं तो वो मिल नहीं रहे हैं ट्रांसफार्मर दोबारा, जानवर के लिए इतना बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, आपके जितने भी जानवर हैं गौ सेवा के लिए, इसी क्षेत्र में अगर आप एक इलाके में चले जाएं, अपने एक इलाका है यहाँ पर गांव कौन सा है बेला, नहीं नहीं उसमें जहां जानवर ये छोड़ रखे हैं बेलाहार के आसपास, पूरे जिले के जानवर छोड़े हैं जिलाधिकारी और इन लोगों ने, तो ये जो परेशानी है किसानों की ये उनको समझ में नहीं आई। अग्निवीर में फरक्काबाद में बिल्कुल पड़ोसी जिला है, 1,26,000 बच्चों ने फॉर्म भरे लेकिन 2,000 को भी नौकरी नहीं मिली। यहां करहल में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और पूरे मैनपुरी में है, समाजवादी ने तो करके दिखाया, आप अपनी योजना बताएं क्या किया। इस मैनपुरी जिले में जो लगातार चुनाव से आते आते जो कार्रवाई हो रही है, आप देखिए किस पर कार्रवाई हो रही है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता है और पहली बार नहीं हो रही है कार्रवाई। आप देखिए मोहम्मद आजम खान साहब, शिवपाल चाचा क्योंकि समर्थन दे दिया तो उनकी सिक्योरिटी कम कर दी, उनके एसओ बदल दिए, छुट्टी पे चले जाएं, धमकी दी जा रही है कि ईडी सीबीआई होगी, और नाहिद हैं विधायक वो जेल में हैं, दीपक यादव जेल में, ये सरकार तो मनमर्जी की है, किसी पे झूठा मुकदमा लगा दो, ये अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं जिसका चाहते हैं उसको जेल भेज रहे हैं, बीजेपी जिसको कह रही है उसको जेल भेज रहे हैं, उस पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है कि सरकार नाकाम हो चुकी है, मतदान इनके खिलाफ होगा। लेकिन अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री यहां आए और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें आपसे ज्यादा आपके चाचा के खिलाफ तल्खी दिखाई दी, पेंडुलम कहा कि वे पेंडुलम हो गए हैं, फुटबॉल हो गए हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस बयान? देखिए मुख्यमंत्री जी फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है, और जो जनता आई थी वो पेंडुलम का क्या मतलब समझ रही होगी तो मुझे नहीं पता, और चाचा पुराने नेता हैं, पुराने राजनीति में हमसे भी ज्यादा अनुभव है उनके, और पेंडुलम का उदाहरण झूला हो सकता है, नेताजी जी के साथ उन्होंने काम किया है, राजनीति में अनुभव है उनको, तो इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये मुख्यमंत्री स्तर से ठीक बात नहीं है।